मैं तो हिंदी में ही बात करता हूँ ज़्यादातर, शायद समझ में आती होगी हिंदी, नहीं तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी में ये भी बता देगा। ओसे मैं आदिलाबाद का हूँ, अभी जो तेलंगाना बना है, आदिलाबाद तेलंगाना में है। शुक्र नीति के अनुसार वो इलाका विदर्भ माना जाता है। हिंदुस्तान के 18 जो भूभाग थे पूरे, उसमें वो विदर्भ माना जाता है। उसे मेरा अपना काम रहा है पूरा पारंपरिक विद्याओं पर, कि हमारे एक छोटे से इलाके में जब ये आधुनिक विज्ञान नहीं था तो उसके पहले सारी चीज़ें वो लोग कैसे बना लेते थे, कैसे करते थे, क्योंकि लोहे से लेके कागज और काजल तक हर गांव में बनाए हैं लोग, और हर चीज़ वो लोग बना लेते थे। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो गांव में नहीं बनाते थे। पारा भी निकाल लेते थे, पारा तो नमक में से पारा निकाल लेते थे, ये नारियल के टपरे में से भी पारा निकालते थे, बहुत सारी चीज़ों से भी पारा निकाल लेते थे, बालों में से तांबा निकाल लेते थे लोग। ये सारी विद्याएं वो लोग जानते थे, पूरी विद्याएं वो लोग जानते थे, और पूरा विज्ञान उनके पास तो था भी, क्योंकि हम लोगों का तो शिल्प का काम रहा है मूर्ति विज्ञान, प्रतिमा बनाने का, तो शिलाओं की परीक्षा भी करना उसमें रहा है। शिला में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होता है, शिलाओं की भी जागृत अवस्था, निद्रित अवस्था होती है, शिलाओं की भी पूरी उम्रें होती है, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, और ये सारी अवस्थाएं भी होती है। मतलब हम लोग जब काम सीखे उस समय सब आखिरी आखिरी के लोग थे वो जानने वाले, जो थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते थे, क्योंकि भारी भारी शिलाओं को आसानी से उठा लेना वो बहुत एक पद्धति से करते थे। क्योंकि जैसे मैं जानकारी लिया तो धरती के गुरुत्वाकर्षण को भी ख़त्म करना जानते थे। धरती के गुरुत्वाकर्षण को ख़त्म किए, शिला को उठा लिए, बैलगाड़ी पे रख दिए, चलते रहे, ऐसा भी करते थे। बहुत सारी चीज़ें लोग जानते थे। तो उसके साथ साथ मेरा जो रहा है कि मेरे पास साधन तो कुछ भी नहीं था, साइकिल मेरा वाहन था, तो सुबह साइकिल से निकले और शाम में लौट के आ जाए उतनी ही दूरी का मेरा अध्ययन है। अपने गांव से 20 किलोमीटर के आसपास जो मैं देखा, जो मैं समझा, वही मैं बात करता कि क्या विज्ञान था, क्या टेक्निकें थी उनकी, कैसे वो सब कर लेते थे, उनका अपना मार्केट का सिस्टम क्या था, और कोई भी चीज़ बनाने के लिए उनकी अपनी सौंदर्य दृष्टि क्या थी, क्या सौंदर्य दृष्टि थी, वो किससे प्रेरित होकर के ये सब काम करते थे, उनकी प्रेरणा वो किससे लेते, क्योंकि हजारों सालों से हिंदुस्तान गांवों का देश रहा है, शहरों का देश तो अभी अभी बना है। गांव की रचना भी कैसे करना है, क्या करना है, वो सब किससे प्रेरित हो करके, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेरणा का जो प्रेरणा जिससे ली जाती है वो तो प्रकृति है। प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर के वो लोग सब किए, गाँव की रचना भी प्रकृति से ही प्रेरणा लेके किए। ऐसे है कि हमारे पास में आज क्या हुआ है, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा समाज, कोई भी एक व्यक्ति अपने गांव और अपने घर में रह करके नहीं जी पा रहा है। सारा समाज संचार जाति वाला हो गया है एक तरह से। जहां कोई जाकर के अपना घर बनाएगा उसकी संतान उसमें नहीं रहेगी, वो कहां चले जाएगी किसी को पता ही नहीं है।
ऐसे समाज का, ऐसे कोई समाज की कोई सभ्यता, संस्कृति या परंपरा नहीं होती है, ना उनमें कोई सौंदर्य दृष्टि होती है, कोई एस्थेटिक वस्तिक में इनमें होता नहीं है। इनको हर कोई चीज़ दूसरा ही कोई सिखाता है कि तुमको ऐसे जीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे घर में रहना चाहिए, कोई और इनको बताता है, ये नहीं जानते, ये गड़बड़ हो जाती है पूरे समाज में। तो हिंदुस्तान के जितने गांव थे, लोग यात्राओं के नाम पर देश भर तो घूमते थे, मर जीते अपने गांव में थे, जीते अपने गांव, जीने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता, ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया को अपना घर माने, मर जीने के लिए अपने गांव को अपनी दुनिया मान लिए, उससे बाहर नहीं। तो दुनिया में जितनी चीज़ें तैयार होती है वो हम अपने गाँव में क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका वो लोग एक प्रयत्न किए थे, मगर उनका अपना एक ढंग था, अपनी एक पद्धति से वो लोग करते थे कि हमारा सब कुछ हमारा अपना होना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार हिंदुस्तान के 18 भूभाग है, मगर वेश भूषा भाषण भवन के हिसाब से भाषा है, भोजन है, वेशभूषा है और भवन है, इस हिसाब से हिंदुस्तान के 108 भाग हो जाते हैं। हर 40-50 किलोमीटर के बाद में भाषा बदलती थी, भोजन बदल जाता था, वेशभूषा बदलती थी और घर का डिजाइन भी बदल जाता था, घर का डिजाइन भी बदल जाता था, हर 40-50 किलोमीटर के बाद में होता रहता था। उस हिसाब से हिंदुस्तान में कोई हमको 108 भाग नज़र आते हैं, डिजाइन नज़र आते हैं, कि धोती बांधने के भी 108 डिजाइन हैं हमारे पास। ये सब कुछ 108 में ही ज़्यादातर दिखाई दिया है। जितना मैं घूमा हूँ अपने इलाके में, वहाँ हर 40-50 किलोमीटर के बाद में सब कुछ अलग हो जाता, खाना वो भी खाते हैं, कपड़ा तो वो भी पहनते हैं, अलंकार वो भी करते हैं और घर उनके भी होते हैं, मगर यहाँ से सब वो अलग होता है, एकदम अलग होता है। उसके कई कारण थे उस समय। एक तो इतनी जो विविधता थी, विविधता के तो कई कारण होते हैं, एक कारण मानसून भी है, एक कारण उस इलाके का जलवायु भी है, और एक कारण बहुत बड़ी चीज़ है, उस समय की जो टेक्निक है वो है, उस समय की जो टेक्निकें थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी बड़े बड़े कारखानों का देश नहीं रहा, यहाँ का हर घर एक कारखाना था, हर घर एक कारखाना था। तो जब कारखाने छोटे होते हैं तो समाज उसको व्यवस्थित करता है छोटे कारखानों, बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं, बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं और छोटे कारखाने को समाज व्यवस्थित करता है। तो छोटे कारखानों की खासियत यह रहती है कि वह हर व्यक्ति के लिए, हर समय और संदर्भ के लिए भी डिजाइन बना सकते हैं, हर समय और संदर्भ के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी वो डिजाइन बना सकते हैं। ये छोटे कारखानों की खासियत, इसलिए वे चाहते हैं कि समाज विविधता से जिए, रंगीन जिए। शायद बड़े कारखानों में ये संभव नहीं है, इसलिए बड़े कारखानों में सारा समाज एक समान हो जाता है, पूरा समाज एक समान हो गया है। ये बड़े कारखानों की अपनी एक है, शायद उसकी कमी है या कमजोरी है, जो भी है, वो व्यक्ति के लिए तो डिजाइन नहीं बना पाएगा। ये कि हमारे पास में जैसे वेशभूषा या अलंकार या ये सब कुछ बना है, घर बने हैं, क्यों इस तरह के घर बनाए थे वो लोग, कारण क्या था, उनकी अपनी सौंदर्य दृष्टि क्या थी, सौंदर्य दृष्टि वो लोग किस चीज़ को मानते थे, सौंदर्य यानी एस्थेटिक के लिए हिंदुस्तानी किसी भाषा में शायद कोई शब्द नहीं है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं सौंदर्य दृष्टि या वो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बोल रहे हैं। डिजाइन के लिए भी कोई शब्द नहीं है, डिजाइन के लिए भी हमको कोई शब्द नहीं मिलता है, रचना, संरचना, परिकल्पना, इस तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं बैठ करके ना। क्या हमारे पास अपनी सौंदर्य दृष्टि नहीं थी, थी तो किस चीज़ को मानते थे, या डिजाइन वो किस चीज़ को मानते थे। आज डिजाइन की बहुत परिभाषाएँ हैं, किसी का बोलना यह है कि डिजाइन यानी समस्या का समाधान है,
बैठना एक समस्या है, उसके लिए जो किया जाएगा वो डिजाइन है। किसी का बोलना ये है कि समस्या तो सुविधा है, वो समस्या वो डिजाइन है। किसी का ये बोलना है कि डिजाइन तो रोजगार पैदा करने की मशीन है, जिसको जितना ज़्यादा डिजाइन आता है उतना ज़्यादा वो रोजगार पैदा कर लेगा। कई परिभाषाएं हैं। तो हमारे लोग डिजाइन को क्या मानते थे सर? डिजाइन अगर समस्या का समाधान है, तो पानी पीने की कमी अगर पूरा करना है तो उसके लिए गिलास बहुत आसान है ना, एक कारीगर को बनाना। गिलास के लिए हिंदुस्तानी किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब है हमारे लोग गिलास नहीं बनाए, वो गड़वा बनाए, लोटा बनाए। सीधा मतलब ये आता है कि वो समस्या का समाधान नहीं मानते थे। समस्या का समाधान मानते तो बहुत आसान डिजाइन में बना लेते थे। घर को भी वो समस्या का समाधान नहीं माने हैं। तो हमारे लोग डिजाइन क्या मानते थे उसे? बहुत सारी चीज़ों में देखने में आता है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती, जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, मगर दोनों के बीच में माया नाम की एक चीज खड़ी है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती है। तो ये जो डिजाइन है ये माया है, जिसको वश में किया जा सकता है ना। ऐसा है, क्योंकि अगर इस तरह का घर बनाते हैं तो ऐसी जिंदगी जिएंगे, और ऐसा घर बनाते हैं तो ऐसी जिंदगी जिएंगे। वो डिजाइन पर आधारित। अब डिजाइन का जो मूल आधार है वो है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि हम लोग किस चीज़ को मानते थे? कईयों का मानना ये है कि जो इंद्रियों को सुख देने वाली जो सारी चीज़ है वो सुंदर है, क्योंकि सौंदर्य दृष्टि एस्थेटिक इंद्रियों का विषय है, वो इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों को जो सुख देता है वो सुंदर है। मगर हमारे पास क्या मानते थे? हमारे पास मानना ये होता था कि इंद्रियों को आध्यात्म की ओर ढकेलने वाली हर सारी चीज़ सुंदर होती है। ये हमारे लोगों का मानना था कि इंद्रियों को आध्यात्म की ओर मोड़ दे, ये हमारे लोगों का मानना था, वो सुंदर है, वो सौंदर्य है, ऐसा मानते थे। तो ये जो सारी चीज़ें रही है कि इसलिए हमारे लोग साधन को बहुत बड़ा महत्व नहीं दिए है। घर हमारे पास में उपलक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है। घर जो है ये सारे साधन उपलक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है, साधनों के लिए लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे साधन के लिए लक्ष्य कभी नहीं बना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन होते हैं। तो साधन कैसे होना चाहिए जो हमको लक्ष्य की ओर ढकेल दे? तो उसमें घर भी एक उपलक्ष्य था, घर भी एक उपलक्ष्य। हमारे पास में सारे उपलक्ष्य हैं, लक्ष्य नहीं है। तो घर जैसे बनते थे हमारे पास में, जैसे मैं देखा हूं हमारे इलाके में, तो घर के पांच लक्षण वहां बहुत महत्वशाली। पहला लक्षण है घर का, घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे। दूसरा घर का लक्षण है कि घर आर्थिक रूप से सहयोग देने वाला हो, पैसे के मामले में घर परेशान नहीं करना है। और तीसरा लक्षण है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाने वाला हो। चौथा घर का लक्षण है घर प्रकृति से प्रेम सिखाने वाला हो। और पांचवा लक्षण है घर सामाजिक होना चाहिए, असामाजिक नहीं होना। घर भी सामाजिक हो, उसमें जीने वाला सामाजिक जीव बने, एकाकी जीव जीने वाला ना बने। ये पांच लक्षण जिसमें नहीं होते हैं वो फिर घर घर नहीं होता है। तो हमारे लोग ये पांच लक्षणों को लेकर के घर का निर्माण करते थे। मगर हर इलाके में जो अपना घर का एक जो डिजाइन रहा है वो कई कारणों से बनाया जाता था। सबसे पहले वहाँ पर जो देखा जाता था कि खेतों में जो घास रखा जाता है, हर इलाके में घास रखने का अलग ढंग है। जो खेतों में जो घास रखा जाता है उसको देख करके हम बोल सकते हैं कि इस इलाके का देवालय घर, उसके हिसाब से बर्तन भांडे कैसे थे, ये हमको समझ में आता है, क्योंकि वो घास का ढेर देख करके हम बता सकते हैं। वो मूल सिद्धांत रहा है घरों का, देवालयों का, निर्माण का।
एक साल तक अगर घास हवा में नहीं उड़ रहा है, सड़ नहीं रहा है, कीड़ा नहीं पकड़ ले रहा है, वो जिस पद्धति में रखने से, जिस डिजाइन में रखने से वो बचा हुआ है, वो उस इलाके के लिए सबसे बढ़िया डिजाइन है, वो लाइनिंग बढ़िया है। उसी हिसाब से बर्तन भांडों की डिजाइनिंग भी, ये सब उसके हिसाब से, उसी तरह से सब जगह का, बर्तन से लेकर के हर सारी चीज़ का डिजाइन, वही लाइनिंग चली है सब जगह, जो घास का ढेर होता है, ये मेरे देखने में आया है। अब हमारे इलाके की जितने भी गांव हैं पूरे, उसमें ये पांच सिद्धांतों को मैं देखता रहा हूँ हमेशा। घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहना है, पहला लक्षण है। आयुर्वेद के अनुसार पैर गर्म, पेट नरम, सर ठंडा है तो आदमी आरोग्यशाली है। अब ये सिद्धांत उल्टा हो गया है, सर गर्म होता है, पैर ठंडे होते हैं, है ना, क्या करें अब उसके लिए। दूसरा फिर घर का ये है कि घर आर्थिक रूप से सहयोग देने वाला होना है। सारे शास्त्रों का एक बोलना है कि घर से निश्चिंत रहो, गृहस्थी से निश्चिंत रहो करके कोई शास्त्र नहीं बोलता है, कि घर ऐसा होना चाहिए जो हमको निश्चिंत रखे। गृहस्थी तो हमारा धर्म है, वो तो निभाना है, तो घर ऐसा होना है जो आर्थिक मामले में हमको परेशान नहीं करना है। खाना तो उस समय के लोग भी खाए, सोए वो लोग भी, अतिथि सत्कार वो लोग भी किए, विशाल विशाल मकान रख करके भी किसी घर में जगह रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी, कोई चीज़ जगह रोकने वाली नहीं होती थी। हम कई बार आज बच्चों से बात करते कि भाई आज तो जनसंख्या बढ़ गई है, घर छोटे छोटे बनने लगे हैं, तो फिर घर में जगह रोकने वाली चीज़ें क्यों इस्तेमाल करने लगा है? जगह की कदर होना चाहिए। जब जनसंख्या कम थी, बड़े बड़े विशाल विशाल घर थे, तो वो घर में जगह रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। पीटे लगाते, पाट लगाते, भोजन करते, उठा के कोने में डालते थे, चटाई शतरंजी बिछाते, स्वागत सत्कार होता लपेट के एक बगल में रख डालते थे, खटियाएं बिछा करके, पलंग बिछा के रात में सोते, उठा के कोठे में डाल देते थे। कोई चीज़ घर में जगह रोकने वाली नहीं। क्यों नहीं थी उस घर में जगह रुकने वाली कोई भी चीज़? क्या उनको जीना नहीं आता था, या लकड़ी की कमी थी, या कारीगर नहीं थे? कारीगर बहुत थे, बहुत सुंदर घर बने हैं लकड़ी के, कारीगर भी थे, लकड़ी भी थी, हर सारी चीज़ भी थी, फिर ये जगह रुकने वाली क्यों जगह चीज़ें नहीं थी घर में? उसका कारण वहाँ था कि घर का जो डिजाइन है, प्रपोर्शन है, उसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है भारतीय सभ्यता का, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है। हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना, जैसे प्रकृति है, वृक्ष पे एक फूल खिलता है तो सुंदर है, नहीं तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा फूल खिलता तो सुंदर होता है, वो जैसा भी है सुंदर है। और उसके बाद अगर कोई पक्षी बैठ जाए तो सुंदर है, नहीं तो हम तो नहीं सोच सकते कि ऐसा पंछियां बैठता तो सुंदर होता है, पक्षी बैठा है सुंदर है, वो उड़ गया तो ये इसकी कोई सुंदरता खराब नहीं हुई है, वो जहां बैठा है वहां सुंदर है, ये अपने आप में सुंदर है, मिलते हैं तो भी सुंदर है, अलग होते हैं तो भी सुंदर है। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है कि मिलने पर भी सुंदर है, अलग होने पे भी सुंदर है, तो हर सारी चीज़ अपने आप में परिपूर्ण है। तो हमारे लोग इसको दृष्टि में रख करके एक ऐसी जीवन शैली की रचना किए, ये तो कभी भी संभव नहीं है कि सभी कुछ सभी के पास में हो जाएगा, असंभव है, मगर एक ऐसी जीवन शैली कि किसी के पास कुछ हो तो ज़्यादा ना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस न किया जाए, है तो ज़्यादा नहीं है, नहीं है तो कमी नहीं है उसकी, चलता है उसके बिना, ऐसा भी एक डिजाइन हो सकता है कि जहाँ आदमी दिमागी तौर से कभी परेशान नहीं रहना है। तो हमारे घर उसी तरह से बने हुए थे कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उस घर में हर सारी चीज़ सुंदर लगी, एक खटिया भी सुंदर लगी, एक गुदड़ी भी सुंदर लगी,
कुछ नहीं है तो भी रंगोली वांगोली डाल के लोग बैठ करके सब कुछ कर लिए, वो भी सुंदर लगा। वहाँ कभी आदमी परेशान नहीं होता था कि ये हो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हमारी भारतीय वेशभूषा में भी इसको रखा गया है, इस सिद्धांत को, चमड़े के चप्पल, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पटका या टोपी रहा है। पगड़ी और टोपी निकल जाए तो कोई कमी है क्या? अंग वस्त्र नहीं है तो क्या कमी हो जाती है? घूम फिर सकता है। शरीर पे कुर्ता भी नहीं है, आम खेती हर लोग धोती बनियान पे रहते हैं, उनको नंगा तो नहीं बोलेंगे। बनियान भी नहीं है, इतना यज्ञोपवीत पंचा पड़ा हुआ है, उसको प्रणाम करते हैं पकड़ पकड़ के। पैर में चप्पल है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। इसमें कोई चीज़ मिल जाती है तो भी ज़्यादा नहीं है, निकल जाती है तो भी कोई कमी नहीं है, उसके बिना भी सब चलता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आता है। अब आधुनिक वेशभूषा है, शर्ट निकालते हैं तो आदमी नंगा है, जूता नहीं है तो असभ्य है, एक बटन अगर टूट जाए तो सारा दिन परेशान रहता है ना। इतनी परेशानी वाली वेशभूषा को पहन करके कैसे आनंद से जिएगा? असंभव है। तो डिजाइन की अपनी एक पूर्णता रही है कि प्रकृति को देख करके हमारे लोग सब कुछ किए हैं, और निर्माण में भी प्रकृति से ही बड़ी प्रेरणा रही। हमारे जितने निर्माण मेरे देखने में आए हैं उसमें पूर्ण सुंदरता को लोग रखे। जैसे एक बीज जमीन में डालते हैं वो अंकुरित होता है तो बहुत सुंदर लगता है, दो पत्ते अगर निकल के आते हैं तो सुंदर है, छोटा सा पौधा हो जाता है तो भी बहुत सुंदर है, जरा सा पेड़ हो जाता है तो भी ठीक है, विशाल वृक्ष बन जाता है तो भी सुंदर है, वो हर पल हर समय सुंदर ही सुंदर है। अगर वो सूख जाए दुर्भाग्य से तो भी बहुत लंबे समय तक सुंदर ही दिखाई देता है। हमारे निर्माणों में इस चीज़ को बहुत सुंदर ढंग से रखा गया था। हम गांव-गांव में देखते हैं ना, जितना भी घर बनाए वो अपने आप में सुंदर होता है। देवालय भी चबूतरा अपने आप में परिपूर्ण है, उससे जरा ऊपर उठता है तो पूर्ण है, अगर शिखर तक बन जाए तो पूर्ण है, पूरा होता है तो पूर्ण है, अगर दुर्भाग्य से खंडर हो जाए तो भी बहुत लंबे समय तक सुंदर दिखता है। वहाँ पे निर्माण में भी हर जगह उस सुंदरता को रखा गया था, किसी कारण वो जहाँ रुके वहाँ वो पूरा हो जाना चाहिए, ये नहीं कि पूरा होने के बाद ही वो सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं है, उसके शुरुआत से लेके आखिर तक वो सुंदर ही सुंदर बनता जाए। ये एक बहुत उन लोगों के समाज का उनका एक दृष्टिकोण था कि इस तरह से करने पे भी हर सारी चीज़ सुंदर होती है, जैसे प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से हम लोग जी सकते हैं ना। तो ये सारा कुछ वो लोग प्रकृति के हिसाब से ही बहुत कुछ किए हैं। तो हमारे पास में डिजाइन को लेकर के इतना काम हुआ है, जैसे गाँव के घर बनते थे। पहली बात तो ये है कि वो निश्चिंत रखे घर आर्थिक रूप से, इसलिए घर में कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसका सब प्रपोर्शन एगरा उस हिसाब से रख लिया जाता था। अब जिस वास्तु की बात करते हैं वास्तु में एक चक्र है, बच्चा कहाँ पैदा होना है, कहाँ उसका बचपना बीतना है, कहाँ उसकी पढ़ाई होना है, कहाँ उसका गृहस्थ जीवन जीना है, कहाँ उसका बुढ़ापा बिताना है, ये उसका एक था, एक चक्र था, वो ये वास्तु। वो तो दिशाएं तो एक कमरे को भी होगी, मगर उससे ज़्यादा महत्वशाली था उसका डिजाइन, कैसा बनना है, जिसमें वो ये सारी चीज़ों को देखते थे कि कैसे होने से आदमी निश्चिंत रह सकता है, वहाँ सब कुछ हो तो ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए इतने विशाल विशाल घर, निश्चिंत रहता था आदमी, उसको घर को भरने की जरूरत ही नहीं थी उसको ना, वो घर से निश्चिंत था। जिस घर में आर्थिक रूप से आदमी निश्चिंत रहेगा वो सहज ही साहित्य, संगीत, परमात्मा, सरमात्मा, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने वाला होगा। इन सब के बारे में सोचने वाला ही आध्यात्मिक होता है ना। जो आध्यात्मिक नहीं है उसको इस प्रकृति से कोई प्रेम नहीं होता है। तो प्रकृति से प्रेम कैसे होगा, कैसे होगा? तो हमारे पास में जो सीधी लाइन को जरा भी महत्व नहीं दिया गया था, हमारे पास में सीधी लाइन को जरा भी महत्व नहीं दिया गया था। घर जब बनते थे पीछे के पहाड़ और झाड़ कैसे है उसमें मिलती जुलती लाइन बनाई जाती थी। विशाल भवन से लेके छोटी झोपड़ी तक कोई भी घर सीधी लाइन में नहीं बनता था। हमारे पास में कोई घर सीधी लाइन में नहीं बनता था, सब
तिरछी लकीरों, क्योंकि उनका मानना ये था कि प्रकृति में कोई लाइन सीधी नहीं है, हमारे शरीर में कोई लाइन सीधी नहीं है, तो हम सीधी लाइन वाली चीज़ों को क्यों बनाना है। उस वजह से वो गिलास नहीं बनाए थे, उसी वजह से वो बकेट नहीं बनाए थे, क्योंकि कोई सीधी लाइन नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, क्यों बनाना है हम लोग सीधी लाइन। और सीधी लाइन का जैसे मांड सीधा जाता है उसका धर्म है काटना, सीधी लाइन काट देती है, हर सारी चीज़ को काटती है। जब से ये सीधी लाइन वाले मकान बनने लगे हैं, पीछे का झाड़ भी हमको कटा हुआ नजर आता है, पहाड़ भी कटा हुआ नजर आता है, सारी चीज आदि आदि नजर आती है। जो चीज आदि नजर आती है उसके साथ हम साम्य नहीं कर सकते, उसके साथ मिल के जी नहीं सकते हम लोग, है ना, बड़ी गड़बड़ की बात हो जाती है। जैसे ये डब्बे के पीछे खड़े रह करके अगर बात करते हैं तो बात करने वाला आधा दिखता है, बात सुनने वाला आधा दिखता है, तो पूरी बात कैसे चलेगी, है ना, पूरी बात का अपना एक ढंग होता है ना, तो बात तो पूरी चलेगी नहीं। ये लाइन एक सीधी लाइन जो है काट देती है, इसलिए हमारे पास में सीधी लाइन को कहीं भी कोई महत्व नहीं दिया गया था, न घर के बनावट में, न सड़कों में। एक घर जो बनता था उसका दक्षिण का मकान दो हाथ पीछे हट करके, उत्तर का मकान दो हाथ आगे हट करके बनता था, सारा एक लाइन से चलते चले जाता था, घर सीधी लाइन में नहीं होता था। आदमी अपने घर के सामने बैठ करके 10 घर के लोगों से बात करता था, वो वातावरण उसको सामाजिक जीवन जीने के लिए बाधित करता था, एकाकी जीवन। जब से सीधी लाइन वाले मकान बनने लगे हैं आदमी एकाकी जीवन जीने वाला होते जा रहा है, अकेला 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 जीने वाला होता है। और ये हमारे गांव की जो लाइन जो चलती थी, आदमी अपने घर के सामने बैठ के 10 घर के लोगों से बात करता था, वो वातावरण उसको सामाजिक जीवन जीने के लिए बाध्य करता था। घरों में किसी भी जगह कोई भी जगह पर उस सीधी लाइन को हमारे पास में कहीं कोई महत्व नहीं दिया गया था। वो हमारी अपनी एक सौंदर्य दृष्टि थी, क्योंकि हमारा अपना पूरा एक लक्ष्य होता था। आज जो जितनी डिजाइनिंग जो चल रही है इसके पीछे एक लक्ष्य है ना, उस समय का भी एक लक्ष्य था। जैसे है कि आज की पूरी डिजाइनिंग का एक लक्ष्य यह है कि लोगों को मुख्य धारा में लाना है, आज की अपनी एक मुख्य धारा है ना, मुख्य धारा क्या बोलते हैं, हाँ मुख्य धारा में लाना है, या जो उस हिसाब की डिजाइनिंग हो रही है। तो भारतीय मुख्य धारा क्या रही है, कभी ना कभी हमारी भी तो मुख्य धारा रही है ना। भारतीय मुख्य धारा ये थी कि हमको मार्गीय बनाना है, आधुनिक मुख्य धारा हमको देशीय बनाती है, मगर भारतीय जो मुख्य धारा थी वो हर एक को मार्गीय बनाना था। मार्गीय और देशीय जो है, मार्गीय ने आज जिस आध्यात्मिक जिसको बोल रहे हैं, हमको आध्यात्मिक बनाना है या भौतिकवादी बनाना है, ऐसा है। मगर हमारे भारतीय परंपरा में हर एक को मार्गीय बनाना था। मार्गीय अगर बनाना है तो उसके हिसाब की डिजाइनिंग कैसी हो, निश्चिंत रहना है, सुरक्षा का भाव रहना है, आर्थिक निश्चिंतता रहना है, ये सारा कुछ उसका अंग हो जाता है ना, उस हिसाब की वो डिजाइनिंग वो लोग किए थे। अभी हम लोग ये 2 साल में बहुत सारे आश्रम घूमे हैं महात्माओं के, जब जब भी जिस जिस आश्रम में जाता हूँ मैं तो रामचरितमानस की एक बात याद आती है। रामचरितमानस में काकभुशुंडी के आश्रम में गरुड़ जाते हैं, गरुड़ जा करके 2-4 दिन रहने के बाद में एक बात बोलते हैं कि एक काकभुशुंडी आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह संदेह और भ्रम ये तीनों दूर हो गए। मोह भी दूर हुआ है, संदेह भी दूर हुआ और भ्रम भी दूर हुआ है। इसका मतलब वो ऐसा डिजाइन रहा है जिसमें ये तीनों दूर होते हैं, जहाँ ये लगता कि हम इसके बिना जी नहीं सकते वहाँ उसका विकल्प नज़र आ रहा है। आज हम जितने भी आश्रमों में घूमे हैं वहाँ जाते ही ये तीनों चीज़ पैदा हो जाती है, मोह भी पैदा होता है, संदेह भी पैदा हो, भ्रम भी पैदा हो जाता है। डिजाइन है इसका, इसका विकल्प वहाँ दिखाई देना है वो डिजाइन के द्वारा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास में बहुत गहराई से इसको कि समाज को मार्गीय बनाना है, मार्गीय बनाने के लिए
सभी कुछ एक ही चीज कुछ नहीं होती है, तो एक गांव में चार चीजें होना बहुत महत्वशाली होता है, विज्ञान, आध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये चार चीजें गांव में होती है तो गांव सुंदर होता है। विज्ञान तो चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और कलाएं भी चाहिए, कलाओं के बिना समाज नहीं जी सकता, क्योंकि कलाओं से, कला आध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है। कला आदमी को वर्तमान में जीना सिखाती है, वर्तमान में जीता है, भूत और भविष्य में नहीं। ये कला की खासियत है, हमको वर्तमान में जीना सिखाती है कला। और कला से एक सौंदर्य दृष्टि पैदा होती है, सौंदर्य दृष्टि जो इसके जीवन का बहुत बड़ा अंग है। सौंदर्य यानी कलाओं से एस्थेटिक पैदा होता है। अरे एस्थेटिक नहीं है तो लोग स्टेटस के लिए जीना चालू करते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। सौंदर्य दृष्टि है तो अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से सुंदर वातावरण बना करके जिएगा, और सौंदर्य दृष्टि नहीं है तो किसी और को देख के जीने वाला हो जाता है, किसी और को देख के जीने वाला होता है ना, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, राग, गुस्सा ये सब पैदा। और सौंदर्य दृष्टि है तो वो अपने हिसाब से सुंदर ढंग से जिएगा, वो किसी को देख के नहीं जीता है। इसलिए कला होना बहुत जरूरी, कलाओं का होना जरूरी। सौंदर्य दृष्टि कलाओं के द्वारा ही पैदा होती है, मगर कला की अपनी परिभाषाएं हैं बहुत सारी। कला किसको कहेंगे, कला किसको कहेंगे? एक जगह किसी बड़े कलाकारों से प्रश्न पूछ लिए तो वो बोलते कि ऐसा बेहुदा प्रश्न नहीं करना चाहिए, कला कला होती है ना। तो कला जो है अनुभूति के अनुभव को जब आकार दिया जाता है तो कला हो जाती है। जो अनुभूति होती है उसको अनुभव करके जब वो आकार देता है तो कला मानी जाती है। वास्तव में जो अनुभूति है कहीं ना कहीं हमारी सौंदर्य दृष्टि जो है उससे जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई अनुभूति से। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कैसे वो करना है। अब जब हम लोग पढ़ते समय हमारे दिमाग में भी ये बहुत सारे प्रश्न थे, ये सब कुछ था कि क्यों हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है, क्यों हम हमारे जो बड़े लोग काम किए वही करना है, या हमारे काम करने का आधार क्या होना चाहिए। पढ़ते समय मैं एक झाड़ के नीचे बहुत दिन बैठा रहा, सामने एक झाड़ था उसको देखते हुए बैठा रहा। सामने जो झाड़ था उसमें फूल आए, फल आए और सब गिर गए, फिर सूखा झाड़ खड़ा हो गया, उसमें से फिर नई नई कोंपल निकली। तो उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि प्रकृति में एक वृक्ष भी नया सृजन करने के लिए पुराना अपना सब कुछ छोड़ता, और हम अपना पुराना इतना भर के नया सृजन कैसे करेंगे, छोड़ता है। मगर खास बात उसकी यह है कि उस वृक्ष की जड़ अपनी है, किसी और की जड़ पे वो सृजन नहीं करता है, है ना। जड़ तो अपनी होना चाहिए ना, किसी और की जड़ पे वो सृजन नहीं करता है। हमारे अपने मूल्यांकन है, हमारे अपने सिद्धांत है, हमारा अपना सब कुछ है, हमारा अपना सब कुछ है, उस जड़ पे हम अपना नया सृजन क्यों नहीं कर सकते, क्यों किसी और की जड़ पे करना है। और की जड़ पे करेंगे तो शायद पनपेंगे भी नहीं, सूख ही जाएंगे ज्यादा समय ना। इसलिए हमारी अपनी जड़ पे करना चाहिए ना। तो हमारी अपनी सौंदर्य दृष्टि क्या है, हम किस लिए ये सारी चीजें करते, क्योंकि हमारे पास में हमेशा प्रकृति बहुत बड़ा एक रहा है। क्या होता है कि प्रकृति से बड़ा सुंदर कोई नहीं है, जो सहज जीवन जीती है वो जैसी भी परिस्थिति में सुंदर है, वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं करती। व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ करता है ना, जबकि ये भी एक प्रकृति का अंग है, मगर अपने आप को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दुनिया में कोई भी पेड़ पौधा पशु पक्षी कोई भी अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप में सुंदर है। ऐसे हम भी अपने आप में सुंदर तो है, कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर हो जाती है ना, एक गड़बड़ जरूर हो गई है। तो वो गड़बड़ क्या है वो जरा समझ करके
उससे जरा हट जाते हैं तो शायद बहुत कुछ हो जाए, फिर हम प्रकृति के साथ साम्य करके जीने वाले हो जाए। एक चीज मेरे देखने में आती है कि प्रकृति में पशु पक्षियों को तो परमात्मा ज्ञान दिया है, मनुष्य को बुद्धि दिया है, इसलिए बहुत परेशान है आदमी। बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना है ना इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता, वो ये सब कुछ है। अब भारतीय समाज की तो विचित्र गति है, यहाँ का जो सारा समाज जी रहा है इनकी बड़ी बुरी हालत है। एक तरफ तो ये है कि त्रेता सतयुग था, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, बहुत उन्नत परिस्थिति से हम पतन की ओर जा रहे हैं। एक तरफ ये बात चलती है कि पाषाण युग था, ताम्र युग हुआ, लोह युग हुआ, रॉकेट का युग हुआ, कंप्यूटर का युग हुआ। एक ये पतन से उन्नति की बात करता है, दूसरा उन्नति से पतन की बात करता है। ये दो के बीच में हमारा समाज परेशान है, इसको ये भी सही लगता, इसको ये भी सही लगता है। अब ये बच्चों को घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं, घर जाके पाँव को हाथ नहीं लगाया तो दुनिया भर का बवाल हो जाता है कि संस्कार भूल गया, वो हो गया, ये हो गया। जहाँ पढ़ने गए वहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। अब फिर घर जाके अगर ये नहीं करता है तो फिर एक अलग बवाल होता है कि ये तो बेकार हो गया है करके ना। ये सारा चलते जा रहा है ना हमारे पास में, क्योंकि हम दो के बीच में खड़े हैं, किसी एक की भी जानकारी हमारे पास में सही नहीं है। और हमारी अपनी जानकारी भी अगर है तो शायद बहुत कुछ होगा, क्योंकि हमारा अपना सब कुछ है। पाश्चात्य देश और हमारे देशों में तो जमीन आसमान का फर्क रहा है। हम लोग अद्वैत सिद्धांत के लोग हैं, प्रकृति अगर हमारे अनुकूल है और हम प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं तो ये अद्वैत सिद्धांत है। एक दूसरे के अनुकूल हो जाना ये अद्वैत है, प्रतिकूल होना ये द्वैत है। कुछ देशों में जहाँ बहुत ठंडा ही ठंडा है या बहुत गर्म ही गर्म है या बहुत एक अलग अलग तरह के वातावरण है, मगर इस तरह के वातावरण हमारे पास तो नहीं है। हम अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी सारी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ प्रकृति पर आधारित रही है। जैसे प्रकृति में हमारे लोग ये देखते थे कि एक चींटी अपना भोजन ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 गज। एक पशु अपना भोजन ढूंढने के लिए कितना दूर जाता है, ज़्यादा ज़्यादा 2-4 किलोमीटर। एक पंछी शाम में अपने घोंसले में लौट आएगा। प्रकृति के जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं सबके लिए आहार है, और आहार के लिए उसकी एक परिधि भी है। 12 महीने उसको उस परिधि में आहार मिल जाएगा। क्या मनुष्य को ऐसी कोई परिधि नहीं है क्या, जो सारी दुनिया में दौड़ रहा है आहार के लिए? मनुष्य भी ऐसी एक परिधि में जी सकता है। हमारे लोग उस परिधि को बना लिए कि सुबह में चल के निकले और शाम में लौट के फिर घर आ जाए, उससे दूर की परिधि हमारी नहीं है जीने के लिए। इसमें हम जी सकते हैं अच्छे से। अपनी परिधि छोड़ कर के बाहर निकलने का मतलब है किसी के भोजन पर कब्जा करना या किसी की गुलामी करना। क्या आफत पड़ी है, अपनी परिधि में हम अच्छे से जी सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें हम अपनी परिधि में ही कर सकते हैं, मगर जीवन शैली कैसी होना है, प्रकृति जैसी है। जैसे नदी जब मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, नदी अगर धीमी बहती है तो बहुत कुछ पनपता है ना। वायु जब मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, और ये दोनों तीव्र गति में आ जाए तो बहुत कुछ नाश होता है ना। तो इस पे आधारित हमारी जीवन शैली बनी थी कि जीवन शैली धीमी गति की होना चाहिए। जीवन शैली अगर धीमी गति की है तो बहुत कुछ पनपता है, जीवन शैली अगर तीव्र गति की हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ होती है। जीवन शैली जब धीमी गति की है तो सोच की गति तीव्र रहती है, और जीवन शैली अगर तीव्र गति की हो जाए तो सोच की गति मंद पड़ जाती है, ये गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी। ये अभी ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी एक जगह मैं बात किया, बात करे तो कोई एक है हमारे एक चितोले जी करके, वो मेरे को बड़ी अच्छी एक बात बताए, गुरु जी आपकी बातें ट्रेन के डब्बे में बैठ के बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सब लोग इतनी तेज दौड़ने वाली ट्रेन में बैठे हैं कि वो कहीं रुकती नहीं है। आपकी बातें अच्छी लगती है, सुन के कोई उतर नहीं सकता, कूद नहीं सकता, कूदने की हिम्मत किसी की में नहीं है।
क्योंकि इतनी तेज गति की जीवन शैली है कि उससे विपरीत एकदम हो जाना गर्व की बात है ना, हो नहीं सकता ऐसे। बैठे हुए तो बड़ी अच्छी लगती है बातें। ये जो चीज़ है कि हमारी जो भारतीय जीवन शैली थी, हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा, अब सभ्यता तो नहीं है। आप सब लोग अपने आप को किस सभ्यता का मानेंगे, कौन सी सभ्यता का मानेंगे, है ना? हमारी अब कोई सभ्यता नहीं रही। अब हम कारखाने वाली सभ्यता में आते चले जा रहे हैं। कारखानों से जो चीजें तैयार हो रही है उसको इस्तेमाल करके जीने की एक जीवन शैली बना रहे हैं, वो एक जीवन शैली चल रही है। हमारी भारतीय सभ्यता, सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है। जिस दिन वो अर्थव्यवस्था टूटती है वो सभ्यता खत्म हो जाती है। संस्कृति के मूल में एक सौंदर्य दृष्टि होती है, एक सौंदर्य दृष्टि है, अपने प्रकृति पर्यावरण के अनुसार सुंदर ढंग से जी लेना, वो एक सौंदर्य दृष्टि है, वो संस्कृति है, वो संस्कृति है। परंपराओं के मूल में एक तत्व होता है, एक फिलॉसफी होती है, जो दृश्य अदृश्य आगे की पीढ़ी को दिया जाता है, वो एक फिलॉसफी, एक तत्व है। अब जैसे हमारे पास में सियावा कपड़ा पहनना निषेध था, हमको सियावा कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं पहनता था, एक बिना सियावा कपड़ा ही सब लोग पहनते थे। और जैसे गुजरात में साड़ी बांधे जाती है, महाराष्ट्र में साड़ी बांधते हैं, उड़ीसा में साड़ी पहनती है, तेलंगाना में पहनती है, उड़ीसा में पहनती है, बंगाल में भी पहनती है साड़ी, यहाँ सभ्यता है। इनको अगर एक लाइन में खड़े कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये ओडिया है, ये बंगला है, तेलंगाना की महाराष्ट्र का है। बांधने का वो ढंग उनकी संस्कृति है, मगर साड़ी ही क्यों, बाकी और कपड़ा क्यों नहीं, उसके पीछे एक तत्व है, फिलॉसफी, वो परंपरा है उसकी, वो फिलॉसफी है, ऐसे ना। तो हमारे पास में संस्कृति के मूल में हमेशा एक सौंदर्य दृष्टि रही, वो सौंदर्य दृष्टि के अनुसार अपने प्रकृति पर्यावरण में जैसे सुंदर ढंग से जी लिया, उसके साथ साम्य करके, उसको हमारे लोग सौंदर्य दृष्टि मानते थे, वो संस्कृति माने जाती थी कि ये लोगों की है तो सौंदर्य दृष्टि, ये इनकी संस्कृति है, ये इस ढंग से सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनका अपना ढंग है। उनके शरीर की बनावट, शरीर की बनावट के अनुसार वेशभूषा, ये सब उसको उसमें आ जाता है ऐसे। तो ये बहुत कुछ हमारे पास में रहा है, क्योंकि हमारे पास का जितना भी, मैं तो छोटा सा इलाका देखा हूँ, वहाँ के हर साधन से लेके हर सारी चीज़ से लेकर के, क्योंकि सौंदर्य दृष्टि में नाद बहुत महत्वशाली होता है, आवाज़, नाद भी इसका एक हिस्सा है। खाली आंखों से दिखने वाली चीज़ सुंदर नहीं है, सुनना भी बहुत सुंदर है, नाद भी इसका एक अंग है, गंध भी इसका एक अंग है, ये सारी चीज़ें इसका एक अंग होती है सौंदर्य दृष्टि का ना। और नाद को बहुत सुंदर ढंग से रखा गया है, नाद को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया गया है? नटराज की मूर्ति आप लोग देखे हैं ना, क्या होता है नटराज की मूर्ति में? नटराज की मूर्ति में गोल मुखमंडल भूमि, उड़ते हुए बाल वायु, जटा अग्नि, चंद्रमा आकाश, गंगा जल, ये पंच महाभूत जब मिलते हैं तो नाद की उत्पत्ति होती है। नाद है तो लय है, हमारे चैतन्यमय होने का प्रतीक नाद है, आवाज है। पैदा होते ही बच्चा अगर नहीं रोएगा तो मट्टी है, चैतन्यमय होने का प्रतीक नाद है। तो इसलिए हमारे गांव में नाद को बहुत सुंदर ढंग से रखा गया, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक गांव में एक आवाज़ गूंजते रहती थी, एक नाद गूंजते रहता था। उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी पूरी, जो कारखाने थे, एक तो कारखाने पूरे अद्वैत सिद्धांत के थे, दूसरे कारखानों से नाद बहुत अच्छा आता था, आवाज़ बहुत सुंदर आवाज़ आती थी। जैसे वो लोग इस्तेमाल करने वाली सारी चीज़ें हैं, जब 10 लोग नृत्य करते थे, नाचते थे, तो उनके पैर में जो घुंघरू है, बहुत छोटा घुंघरू होता था, उसको
गज्जा बोलते हैं हमारे पास, जब दो लोग नृत्य करते थे तो बड़ा घुंघरू हो जाता था, फिर अकेला अगर कुछ कर रहा है तो उसका और बड़ा घुंघरू हो जाता था। तो वो लोग पशु पक्षियों की भी गले में कैसी आवाज रहने से उसको आनंद आता है, इसलिए हमारे पास में हर जगह के घंटे घुंघरू सब अलग है, बैल के गले में बांधने के घंटे अलग है, दूर प्रयाण जब करते हैं तो घुंघरू अलग हो जाता है, खेत में अगर नागर लगा हल जोत रहे हैं तो घुंघरू अलग होता है उसका, वजन अगर ढो करके जा रहे हैं तो घुंघरू अलग होता है, उसका घंटा अलग हो जाता है, जो बैल को भी आनंद दे और उसकी गति के साथ वो बजता जाए। तो ये जो चीज़ है कि हर सारी चीज़ की ना आवाज़ कैसी होना चाहिए, क्योंकि नाद का सीधा हमारे शरीर के साथ रिश्ता है। बस में हम कुछ नहीं करते हैं बैठ के ना, फिर भी थक जाते हैं, क्योंकि इसके आवाज़ का हमारे, इसके नाद का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे यहाँ इतने आराम से बैठे अगर है, कोई वाहन अगर निकल जाए, ट्रैक्टर जैसा निकल जाए, तो सबकी आत्मा काम जाती है। तो ये वो उस समय ये सारी चीज़ों पे बहुत सोचा गया था कि एक नाद भी कैसा होना चाहिए। नाद से लय बनती है और लय से गीत बनता है, इसलिए हिंदुस्तान में हर सारी चीज़ के गीत बने हुए थे, कूटने पीसने से लेके सारी चीज़ों के, बैलगाड़ी पे भी यात्रा कर रहा है तो गीत होते थे, उसकी नाद के साथ एक लय बना करके, लय बनती थी उसके साथ, गीत गाने लगता था आदमी, ये सारे गीत बनते थे, हर सारी चीज़ के गीत बने हैं, क्योंकि लय का हमारे शरीर के साथ एक रिश्ता था। आज पता नहीं नाद के बारे में कितना सोचा जा रहा है, मगर आज जैसे हमको लगता है कि नाद का हमारे शरीर के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई गीत नहीं बनेगा, है ना, और ये तो सब कुछ है ही है, ये बड़ी गड़बड़ की बात है। तो कभी ये सारी चीज़ें हमारे पास में एक सौंदर्य दृष्टि के हिसाब में ही देखी गई थी, कि खाली कोई चीज़ वस्तु ही नहीं है, नाद भी गंध भी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एक चेतना को जागृत करने वाली हो, जो चेतना को जागृत कर दे या जो हमारी चेतना को अध्यात्म की ओर मोड़ दे, वो सारी चीज़ सुंदर होती है, ऐसा बहुत मानते थे हमारे लोग ना। तो और क्या, आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए, मेरी भाषा समझ में आई सबको है? कुछ लोगों को अगर नहीं, हाँ अब ज्यादा बोल दिया ना हुई हाँ कुछ थोड़ा बहुत बोल दो आओ ऐसा ना तुम मेरे से पूछ लेना, मैं बैठा हूँ। Very difficult for me because he spoke quite a lot of things, though I was fit. Basically, the study that Sharmaji has done is just 20 kilometers around Adilabad from where he is, and whatever he has observed in that area and whatever he has got from that area, that's what he has been sharing with us. And everything, the life, how they were living and all that. So these things is what he was sharing with us. And he used these four things about, first one is that sabhyata, which is civilization, okay? And then the second thing is culture, samskriti, culture. And then what else? Sabhyata, samskriti, parampara. Parampara. Jivanshali, parampara. These things are like, what is the parampara? Parampara is like tradition, but tradition is something which is passed on from, maybe from father to son or from teacher to student. That kind of thing. It's a heritage. Kind of stuff which परंपरा is के मूल में एक तत्व है, तत्व, there is a particular philosophy or there is a particular very strong reason behind it, there's something very strong behind it which is actually the leading light for the heritage. Okay, like for example, why the sari, he gave an example of the sari, it is the sari throughout India,
But people wearing sari from Kerala is different from Tamil Nadu, is different from Gujarat, is different from Andhra, it is different from Odisha, it is different from Bengal. See, the cultural variation is there according to the region. And but this parampara behind it is to wear sari. Why wear sari is the parampara. That is the tradition. That is the heritage and that is the tradition. And that was because we were not supposed to wear any stitched cloth. When you stitch a cloth, you have to first cut it. So cut a cut case, silaiwa kapda nahi pehnte the. Wo nishet tha. That means new, because it is it what he has said from Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. So whole thing is from that particular philosophy. So it is complete. So everything is, when you take out anything from completeness, totality, still it is total. If you add anything to it also, it's still total. Like he was giving the example of this dress itself. If you remove the dupat, doesn't make any difference. If you remove the kurta, it doesn't make any difference. Many people work in the field and at home we are always in a dhoti and banyan. So it doesn't make any difference. But if you remove the banyan also and just wear a dupat like that, then people will fall at your feet. Koi pandit ji aa gaye. It's still complete. You know, this is what is that. And with so if there is something added to it, doesn't make any difference. But if something is removed from it also, it doesn't make any difference. So that is how our lifestyle was. And our houses and also the temples in which we used to stay, the homes and the temples in which we used to stay, all this was designed according to these same principles. And he was talking about the five principles of our homes, which is basically the first thing is the house or the home should make a person healthy. So, and the second thing is Arthik. Yeah, the house should not make a person economically dependent or very tension in the stress and tension, you know, economically stressed. The house should not make a person economically stressed. Okay. And the third thing is the house should be taking the person towards spirituality. It should take the person towards spirituality. Okay, not make him too materialistic, towards spirituality. And then it should be in line with nature. Nature friendly. The house should be nature friendly. And finally, it should also be socially. The house should make a person become very social, not aloof or separate from the society. So these five lakshans are the main how the srishti was made, the house was made, the home was made, or constructions were made. एक बार क्या हुआ, हम लोग आश्रम में झाड़ के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से कव्वे का घोंसला गिर गया. वो घोंसला जब देखे तो काड़ियों से बना नहीं था, जीआई वायर बैंडिंग वायर से बना हुआ था घोंसला, है ना. तो सब लोग मेरे को बोले कि गुरुजी देखो कव्वे भी आधुनिक मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना. तो कव्वा आधुनिक मटेरियल क्यों, क्योंकि आसपास झाड़ नहीं है, बिल्डिंगा बन रही है, जो मटेरियल उसको मिल रहा है उड़ा लिया, उसको लाने के लिए कोई दूर नहीं गया है ना, वो आप उसको यही मिल रहा है, तो उससे बना तो लिया है कौवा. मगर कौवे की एक खास बात याद ध्यान में रखो कि कौवा ना तो अपने घोंसले का डिजाइन बदला, ना उसका टेम्परेचर खराब होने दिया. और उसका टेम्परेचर अगर खराब होता है तो उसमें से अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे. कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को. All of you understood this. See, the when he was sharing one incident, when you know, when we were sitting below a tree and a nest fell down, you know, crow's nest fell down, and it was made out of GI wires and these electrical wires and all these things, you know, they were made. So people said the bird is also using modern material. But what he said was, it is using the material which is available close by, nearby.
as far as it can fly and pick up and bring, but it has not changed the design of its nest. It didn't change the temperature with which it is made. You know, the temperature in which it, you know, the if the temperature was different, then the eggs won't hatch. It can't live in it. But what we have done, achieved is, we have changed the, all the five lakshans which were there for a house, totally different. Like today's modern house, he says, the like in Ayurveda, there's a thing that your feet should be warm, stomach should be soft, and the head should be, you know, cool-headed, you know. But today's modern construction, the feet becomes cold and the head becomes hot because of the concrete on top. So the whole principle has been become like reversed. So because of that, the person living inside is not becoming healthy. Okay, it's not healthy. And the second thing is, it is economically making a person stressed. You know, there were huge houses in the previous houses, Tarawada, that we find in Kerala itself. They are very big houses. You agree this? Huge houses they were made. But still, there was nothing which will actually stop the space, take away the space. It is not that they did not know to make furniture. They knew to make furniture. If they could make a house out of wood, they could make furniture also. But there was nothing which was stopping or, you know, taking away space from the house. So that was one thing which was there. And, you know, they did everything. Like, for example, they would just put the mats below and people would sit on it, the mat and the shatranjis, all that they would put. People would sit, eat, do everything, then they would just fold it and keep it away. Okay, like that, everything was done. And according to that, everything was also designed. Like, for example, another thing that he shared was the design of the house was made on the haystack of that particular area. You know, the dried hay, how it is stacked. If it is stacked in a particular way, the house as well as the temple would be in the same kind of design. हमारा घर हमारे से मांगता नहीं था कुछ भी, और जो है ठीक था। जब उसी वास्तु को देख करके नया घर बना लिए है ना लोग, उसकी वास्तु शांति करके अंदर जाते ही घर मांगना चालू करता है। लाओ डाइनिंग टेबल लाओ, डेकोलम के पलंग लाओ, सोफा लाओ, वो लाओ, ये लाओ, रसोई का गिलास कटोरी तक बदल लेना पड़ता है। एक घर को म्यूजियम बनाने के लिए आदमी दिन रात खटता है ना, वो आध्यात्म कैसे बनेगा ना। घर से निश्चिंत रहना है, घर मांगता है, वो घर का डिजाइन ऐसा है कि उसमें रखना ही पड़ेगा, ये नहीं तो नहीं जी सकता है, ये तो डिजाइन है। इज द मॉडर्न डिजाइन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज लाइक द मॉडर्न डिजाइन द हाउस स्टार्ट्स आस्किंग फॉर थिंग्स लाइक द मोमेंट यू गेट इन इट विल से कम ऑन आई रिक्वायर अ सोफा सेट आई रिक्वायर नाउ यू ब्रिंग मी अ ब्यूटीफुल बेड कॉट यू नो दैट क्वीन कॉट एंड ऑल दैट द टुडे सो जस्ट टू get all these things, you know, like decorate the house like a museum. That's what we are doing. And what is happening in this process, we are becoming economically stressed. The house makes us economically stressed. And a person who is economically stressed cannot become spiritual. And a person who is not spiritual cannot have, you know, love towards nature. And the designs of the previous ancient houses and everything used to be in such a way that there was no straight line. Because the straight line cuts. He gave an example of this particular podium itself. If a person is standing behind the podium and talking, he is cut into half. And the people sitting in front are also all cut. So there was no straight line in our ancient designs. So it would go along with, it would just mix and it would mingle along with the nature. Like if there is a hill behind the house, the hill would also look beautiful and the house would also look beautiful. The straight line cuts the hill into two. Whereas the design would be in such a way that the house or the temple just mingles with the hill at the back. If there's a huge tree, the house would mingle with the tree. So that was that is how, you know,
compliance with nature was achieved. So that was there. Prakriti se prem. And then it is socially very, you know, wonderful, because when a new house is built, it would be 2 hands distance north in front. If it is at the south, then it will be 2 hands at the back. In that way, when a village is there, a person coming out of the house can talk to 10 houses. Like 10 houses can be seen, 10 homes can be seen, and they can talk to each other. Whereas the today's planning is in straight line, like that. All the layouts are made in such a way that many times we don't even know who our neighbor is. Because of which we don't know who our neighbor is also. Because it's in straight line. It is just cutting 2 families away. This is one thing that he has touched upon. So keeping these things in mind, something we should be doing for the future. Yeah, this is just a gist about it. Yeah. See, he spoke about his own experience, and that was like he was during his studies he spent a lot of time sitting in one place and looking at a tree. He was just looking at the tree, and in that time the tree flowered and it gave fruits, and the fruits withered off, the leaves also withered off, it became very dry and nothing was there in it. And after some time, it once again blossomed. Like new, sprouts came out from the branches. At that time, he realized that to make something new, we have to definitely destroy the old. But at the same time, whatever new the tree is creating, it is creating from its own very old and ancient roots. So we should not forget our old and ancient roots. So whatever we make new, like if we want to create something new, we could create it from our ancient roots. That is, yes. And that is one thing that was there. Like very beautifully he said that the final purpose of life is not like, there is purpose of life, and there are things which leads you to the purpose. They are all upalaksha. They are not like the house or anything else are upalaksha. They are not. They are the things which lead you to the laksha. The laksha of life is to finally become one with the, get united with the jivatma, getting united with the paramatma. So that is the purpose of life. So that purpose, to achieve that purpose, all these things, the design is actually maya, that which is coming in between. So how to make this design in such a way that the laksha can be reached? So design was based on the laksha, final laksha, that is to become one with the ultimate, and we can call it as enlightenment or whatever it is. Moksha, moksh ki prapti finally. हाँ, बहुत कुछ होता है। जब पहले घर बनते थे, घर का जो सिंह द्वार बनाना होता था, सिंह द्वार बनाने के लिए बहुत लोगों को बैठना पड़ता था। घर का यजमान, घर का पुरोहित, भड़ाई लकड़ी का काम करने वाला, और घर का कपड़ा बनाने वाला जुराहा, कुम्भार, ये सब मिलकर के एक डिजाइन बनाते थे दरवाजे का। क्योंकि घर के दरवाजे पे जो डिजाइन बनाया गया है, उस घर का जुराहा जो कपड़ा बनाएगा, उसका जो बॉर्डर है वो डिजाइन आना है उसके अंदर, उसकी साड़ी में। और उसके जो बर्तन बनाने वाला है, शादी के बर्तनों में वही डिजाइन उसमें आना है। हर कारीगर को उस घर की हर चीज में उस डिजाइन को लाना पड़ता, हर चीज। वो अपने मटका लेकर के जा रही है, साड़ी पहन के है, घर के चौकट का डिजाइन, इसका डिजाइन, इसका डिजाइन, ये सब मिलके चले जाते। वो उनकी एक सौंदर्य दृष्टि थी ना, ये सब सामने करना है। हर घर का
डिजाइन, उस घर के डिजाइन के अनुसार उसके घर के बहू की साड़ी का बॉर्डर भी वही डिजाइन का होगा। इसलिए बहुत लोगों को मिल करके बैठ के एक डिजाइन बनाना पड़ता था। आज के जैसा नहीं था कि कुछ भी बना लिया जाए चलता है, ऐसा नहीं था। मगर वो उनका अपना एक सौंदर्य दृष्टिकोण था कि सब एक दूसरे से सामने करते हुए चले जाना है। इसलिए घर हमारे पास में जो घर है वो गर्भ से घर बना है। गर्भ का मतलब है जैसे पेट में बच्चा सुरक्षित है, ऐसे हमको जो सुरक्षित रखने वाला है वो भी एक गर्भ है, वो ग्रह है। हमको सुरक्षित रखने वाला गर्भ की तरह है, वो जो सुरक्षित रखता है वो गर्भ है। मगर एक गांव में जब घर बनना है तो सारे गांव की एक ही छत होना है। गांव भी एक घर माना गया है। इसलिए हमारे पास जब घर बनते थे पहले एक मंजिला घर है तो उसके बाजू में 10 मंजिला घर नहीं बन सकता था। इससे ही कितना ऊंचा हो सकता है उतना ही ऊंचा होना है। या 10 मंजिला मकान के बाजू में कोई अपना 1 मंजिला घर नहीं बना सकता था। तो उसकी एक लाइनिंग होती थी, उसी के अंदर सब चलना है। क्योंकि इसकी सुंदरता से इसकी खराब नहीं होना है या इसकी वजह से उसकी सुंदरता खराब नहीं होना है, दोनों भी मिलकर सुंदर लगना है। वो सब एक दूसरे को खराब नहीं करना है, सुंदर लगना है। हमारे पास में घर जब बनाते हैं ना, ये कोना और ये कोना, इसको मूला कहते हैं, मूलासन। ये दो कोने घर के मिलना नहीं है। मिलने से लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन का भाव पैदा। एक गांव में जब हम जी रहे हैं तो किससे कंपटीशन है? हमको प्रतिस्पर्धा जैसी कोई चीज नहीं होना है, हमारे दिमाग में नहीं आना है कंपटीशन। इसलिए बहुत सोचा जाता था कि घर की लाइनिंग भी कैसे होना है जिससे कोई भाव नहीं बदल जाना है। भाव नहीं बदलना है, लक्षण नहीं बदलना है। मेटीरियल से लक्षण भी बदलते हैं, तो कौन सा मेटीरियल होने से कैसे रहेगा? मेटीरियल का हमारे लक्षण बदल जाता है। अब जैसे कि स्कूल के लोग मेरे पास में आए, आके मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी बच्चों को क्रम शिक्षित करना है, क्रम शिक्षित डिसिप्लिन आना है, कैसे आएगा? मैं बोला क्या जरूरत है, बच्चा अच्छा जी रहे ना, खेल ले रहे, क्या उन्हें क्या डिसिप्लिन का एक लिए चाहिए? नहीं नहीं होना। तो मैं उनको एक बात बोला कि तुम्हारे हॉस्टल में और स्कूल में जितने प्लास्टिक के बर्तन हैं सब निकाल डालो, बकेट है और कुछ है मग्गे वग्गे निकाल डालो। हाँ, ये क्या बोलते हैं, क्यों गुरु जी ऐसा? मेरा उनको बोलना ये था कि मिट्टी का घड़ा है और प्लास्टिक का घड़ा है, दोनों का काम है अपने अंदर पानी रखना, उससे ज़्यादा क्या काम है उनका? मगर मिट्टी के घड़े को धोने का एक ढंग है, भरना भी एक ढंग से है, और उसको उठाने की भी एक पद्धति है, चलने की भी एक पद्धति है, और रखना और पानी देने की भी एक पद्धति है। वही प्लास्टिक के घड़े को कैसे भी धो सकते हैं, कैसे भी भर सकते हैं, कैसे भी लेके चल सकते हैं और कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी पानी ले सकते हैं, तो गड़बड़ क्या है? तो मिट्टी का घड़ा आदमी को अपने अपने सतर्क और क्रम शिक्षित बनाता है, वही प्लास्टिक का घड़ा आदमी को लापरवाह बनाता है। नहीं, एक लापरवाही का लक्षण पैदा करता है, एक सतर्क और क्रम शिक्षित बनाता है। तो मेटीरियल के बदल जाने से भी ये लक्षण बदल जाते हैं। कम से कम इतना तो सोचना पड़ेगा ना हम लोगों को, नहीं तो कैसे रहेगा, समझे? ऐसा ये बात बता दो।